देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद अच्छी हवा चली है, तो हम आज छत पे आ गए हैं अपना पतंग उड़ाने के लिए, और पतंग उड़ चुकी है। हमने लेकिन कोई और पतंग आसपास नहीं है, नहीं तो हम आसपास काइट फाइटिंग भी दिखाते। हमारे इधर गुड़गांव में ये बहुत ही दिक्कत है, यहाँ पे पतंगबाजी बहुत कम हो गई है, और तो इसलिए मुझे भी 15 अगस्त वाले दिन दिल्ली जाना पड़ता है पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम काइट फाइटिंग नहीं कर पाते हैं, यहाँ से सिर्फ हम पतंग उड़ाते हैं। और बस सिर्फ पतंगबाजी का मज़ा ले पाते हैं। अभी देखिए कुछ अभी बच्चे पतंग उड़ाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने पतंग उड़ाया है इनके लिए। अभी देखिए, अभी ये हमारा जानते हो बेटा, पकड़ लेना अच्छे से। अभी ये छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है हमारा, हमारी पतंगबाजी आगे आने वाले टाइम में भी रहे। अभी थोड़ा ढील दे बेटा, ढील दे थोड़ा सा, ढील दे। एरोप्लेन जा रहा है पतंग के साथ से। वैसे तो पतंग उछाल ले रही है, और ये कह रही है पापा पतंग पकड़ लो। आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन तो हम काइट फाइटिंग नहीं कर पाएंगे, कोई पतंग होती ही नहीं है हमारे यहाँ आसपास। ये तेरे की पकड़ने की, वो मेरे को पकड़नी है, मेरे को पकड़नी है। पतंग ये बहुत ही बढ़िया है, देख आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसे खड़ी हुई है। ये पौनी पतंग है जो मैं पिछले साल मन्नी काइट सेंटर से लेके आया था। देखिए आप हमारे इधर आसपास का नज़ारा कितना हरा भरा है, यहाँ पर अगर पतंगबाजी होती हो तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई पतंगबाजी होती नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मेरी पतंग को देख के पतंग उड़ाना शुरू करें, और इसीलिए मैंने आज ये पतंग उड़ाई है। मैं डेली शाम को थोड़ा कोशिश करता हूँ कि लोग पतंग को देख के आए और उड़ाए। देखिए दोस्तों ये पतंग अभी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए और उड़ाएंगे हम, चलती रहे। बाकी आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है, और आज मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा है, गर्मी भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।